भारत की यूपीआई की विदेश में धूम, अब इन देशों में एंट्री लेगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। खास खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल। आज अगर आप यूपीआई यूज करते हैं और अक्सर विदेश यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जल्द ही यूपीआई फ्रांस और सिंगापुर के बाद कई और देशों में यूज किया जा सकेगा। एनपीसीआई की सब्सिडी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश ने जानकारी दी कि यूपीआई अब कई खाड़ी देशों और उत्तर अमेरिका के देशों में एंट्री लेने वाला है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और सिंगापुर की मार्केट में सफलता से प्रवेश करने के बाद हम उत्तरी अमेरिका के कई देशों और खाड़ी देशों में जल्द ही एंट्री ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लॉन्च के कोई निश्चित समय के बारे में जानकारी नहीं दी। मनी कंट्रोल से बात करते हुए रितेश शुक्ला ने यह भी कहा कि सरकार उन देशों पर यूपीआई लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर भारतीय सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। गौरतलब है कि हर साल भारत से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर यूपीआई लॉन्च करने पर भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनआईपीएल की स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी। इसका मकसद था कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए को भारत के बाहर ले जाया जाए। सीईओ रितेश शुक्ला ने आगे ये भी कहा कि हम यूपीआई की सर्विस को विदेशों में विस्तार करने के लिए अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। कई देशों में एनआईपीएल यूपीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में लगा हुआ है। वहीं कई देशों में इंटर ऑपरेट के सिस्टम का विकास किया जा रहा है। 21 फरवरी 2023 को सिंगापुर ने क्रॉस बॉर्डर यूपीआई की शुरुआत की थी। इसके बाद सरकार ने G20 समिट में विदेशी ट्रैवलरों और एनआरआईएस के लिए यूपीआई की सुविधा शुरू की। 14 जुलाई को पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अब भारतीय ट्रैवलर्स यूपीआई के जरिए पेरिस के एफिल टावर की फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया समेत 13 देशों ने इस मामले पर भारत सरकार के साथ एमओयू साइन किया है।